रुकनी असेंबली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ की जानिब से मैला और देवपली डिवीजन में वाक़ दरगाह कन्वेंशन में पसमानदा और कमजोर तबकात का एक इजलास मुनक़द हुआ। इस मौके पर मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए रुकनी असेंबली प्रकाश गौड़ ने हल्के पार्लियामान चवेड़ला के BRS उम्मीदवार के ज्ञानेश्वर मुदिराज को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें जो मौका मिला है इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया है कि वो के ज्ञानेश्वर की कामयाबी के लिए शबो रोज मेहनत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हल्के पार्लियामान चवेड़ला की BRS उम्मीदवार के ज्ञानेश्वर मुदिराज का ताल्लुक कमजोर तबका से हैं। प्रकाश गौड़ ने कहा है कि लोगों को BRS का साथ देना चाहिए ताकि मुखालिफ किसान और आवाम दुश्मन ताकतों को शिकस्त दी जा सके। इस मौके पर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तदाद शरीक थी। में दुर्गा नगर में जो BC मीटिंग लगाए, BC मीटिंग में हर मजहब वाले सो भी आए, आप देखे बहुत बड़ी पब्लिक मुसलमान भाइयों भी सब मिलके जो आए, बहुत खुशी की बात है। रात में बोलते ही सुबह इतने लोग आए, पार्टी के ऊपर कितना प्रेम है आप लोगों को मालूम। मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ पब्लिक को पूरा, ये अपने ज्ञानेश्वर कम से कम 30-40 साल से BCOs के लिए लड़ रहे हैं, उनको अपन ने एक मौका मिला KCR साहब ने दिए, वो अच्छा उनके मेजर से जिताना बोल के बोल रहा हूँ। मैं हमारे मुसलमान भाइयों को एक ही बोलना चाह रहा हूँ कि 10 साल में क्या था, अभी 4 महीने में क्या हुआ, सोच को उड़ दो। हमारे बहनों को भी भाइयों को भी बोलना चाह रहा हूँ, ये ऐसी औकात है अपने को KCR को मजबूत करना बोले तो अपन MP को जिताना जरूरी है। उस दिन KCR अगर नहीं तो अपने को तेलंगाना आता था क्या?